हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीलम और मैं अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं। आज मैं बनाने जा रही हूं अरबी की सब्जी, जो अरबी के पत्ते से बनाई जाती है, और उसके साथ में अजवाइन और मेथी के पराठा बना रही हूं। इस सब्जी को आप राइस के साथ भी खा सकते हैं। और कैसे बनाती हूं मैं, चलिए देखते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ अरबी की पत्ते की सब्ज़ी। उसको बनाने के लिए मैं ले रही हूँ बेसन। ये 1 कप बेसन है, और 1 कप बेसन है, उसमें हम डालते हैं मसाले। मैं उसमें ये पूरा हुआ अदरक है, हाँ इसे मैं डाल रही हूँ, इसे डाल देती हूँ। उसके बाद मसाला ऐड करते हैं। मसाला मैं ले रही हूँ 1 स्पून हल्दी, 1 स्पून जीरा पाउडर, 1 स्वाद अनुसार नमक। उसके बाद पानी ऐड करते हैं। पानी में धीरे धीरे डालते हुए इसे चलाते जाऊंगी ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। ये हमारा बिल्कुल तैयार है। अरबी की सब्जी बनाने के लिए मैंने ये 3 अरबी के पत्ते लिए हैं। उसमें इसे मैं अच्छे से धो ली हूँ, और धोने के बाद अभी स्टार्ट करते हैं बनाना। अब मैं इसे एक एक करके इस पत्तों के ऊपर लगाते जाऊंगी, इस तरह से लगाते हुए पूरे पत्ते, मोटा नहीं लगाना है, हल्का पतला चारों तरफ लगा देना है। इस तरह से इसके बाद दूसरे पत्ते को डालकर उसे भी इस तरह से कर लेते हैं। इसके ऊपर भी हम इस तरह से लेयर डाल देते हैं बेसन का। अब मैं इसे दूसरे पत्ते को भी इस तरह से कर लूँगी। ये मैंने 3 लेयर बनाया है। यहाँ मैंने पत्तों के 3 लेयर में इसी तरह से कर लिया है। अब इसे मोड़ लेते हैं, इस तरह से टाइट मोड़ लेते हैं। अब हमने मोड़ लिया है इसे। अब यहाँ मैं एक पतीले में पानी गरम कर लिया है। उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा स्टीम कर लेते हैं। इसे मैं ढक के 10 मिनट के लिए इसे स्टीम कर लेते हैं। अब ये बिल्कुल हो चुका है, इसे हम उतार लेते हैं। और अब मैं इसे इस तरह से ये काटने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। इसकी लेयर लेयर दिखती है। और इसे हम डीप फ्राई करते हैं। आप सेलो फ्राई भी कर सकते हैं, तो कम तेल में। मैंने हल्का सा तेल लिया है। मैं इसे डीप फ्राई करूंगी। ये मैंने उधर वो फ्राई होते रहेंगे, तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ। मैं बना रही हूँ मेथी अजवाइन पराठा, और उसके लिए मैं अब आटा लिया है। 1 स्वाद अनुसार नमक, 1 स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा कसूरी मेथी, और थोड़े से अजवाइन, और
ये एक साइड से हो चुका है, इसे हम पलट देते हैं। इस तरह पलटते हुए इसे फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसे हल्का हल्का पानी देते हुए गूंथ लूँगी। अब ये हमारा बनकर तैयार है, इसे हम उतार लेते हैं। अब ये कढ़ाई मैंने गरम कर लिया है, इसमें हम ऑयल डालते हैं 2 स्पून। तेल हमारा गरम हो चुका है, अब इसमें फ़ोरन डालते हैं। फ़ोरन के लिए मैंने लिया है ये अदरक, कुरावा अदरक, ये है मिर्च और ये है करी लीव्स। इन सभी को मैं अब डाल दूंगी। पहले मैं मिर्च डाल रही हूँ। मिर्च चटक जाए उसके बाद मैं करी लीव्स डाल रही हूँ। अब मैं अदरक डाल रही हूँ। मैंने इसे थोड़ा सा हल्का कच्चापन जाने तक फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें फोरन डाल रही हूँ 1 स्पून पंच फूटन और 1/2 स्पून जीरा। हो गया है। अब मैं इसमें टमाटर कटे हुए डाल दे रही हूँ। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक देके इसे ढकते हुए से पका लेंगे। अब ये टमाटर भून चुके हैं, इसमें मैं मसाला ऐड कर रही हूँ। उसमें 1 स्पून हल्दी, 1.5 हल्दी हल्दी पाउडर है वो, और ये है मसाला 2 स्पून। और 1/2 स्पून और इसे भून लें। अब मसाला भून चुका है, इसमें मैं 1 ग्लास वाटर दे रही हूँ और फिर और 1 ग्लास, मैंने टोटल 2 ग्लास दिया है इसमें। इसके बाद इसे ढक के पका लेते जब तक कि वो उबाल ना आए। और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी सरसों का पेस्ट। सरसों का पेस्ट मैं अभी डाल रही हूँ हल्का सा। ये मैं ऐड कर दिया और बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे। पराठा बनाने के लिए मैंने ये रोटी आकार में बेल लिया है। इसमें मैं हल्का सा घी दे दूँगी इस तरह से, और फिर इसे फॉल करेंगे। फिर इसमें से हल्का सा घी ऐसे ग्रीस कर लेंगे, उसके बाद और एक फॉल दे देंगे और फिर इसे ट्रायंगल आकार में फॉल करके बेल लेंगे। पराठा बनाने के लिए मैंने ये तवा को गरम कर लिया है। अब मैं इस बेले हुए पराठे को यहाँ डाल दे रही हूँ। पराठा बनाने के लिए मैं घी यूज कर रही हूँ। घी से पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं, आप ज़रूर ट्राई करना। अब इसमें बॉईल आ चुका है, अब मैं इसे यहाँ डाल दे रही हूँ। ये आप ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत ही क्रिस्पी और अच्छा लगता है। इसे मैं डाल दे रही हूँ। इसे डालकर थोड़ा देर पका लेंगे। इसे थोड़ा देर पका लेंगे, ऐसे ही छोड़ देते हैं। अभी इधर ये पराठा एक साइड से हो चुका है, इसे पलटी कर देते हैं और यहाँ हम घी ग्रेस कर लेंगे इस तरह से लगा लेंगे। अब ये किस तरह से फूलने लगा है, अब मैं इसे पकाते हुए अब मैं दूसरी साइड घी लगा रही हूँ।
अब ये पराठा बिल्कुल तैयार है, इसे हम उतार लेंगे। अब मैं दूसरे पराठा डाल रही हूँ, अब इसे भी मैं दोनों तरफ से घी लगाते हुए ग्रीस कर लूँगी और पलटते हुए सेंक लूँगी इसे भी अच्छी तरह से हल्का ब्राउन होने तक। खाने में दिखने में जितनी अच्छी है वो खाने में भी उतना टेस्टी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। तो अब इसे हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं। और अब हमारा ये तैयार है सब्जी, अरबी की सब्जी और मेथी और अजवाइन का पराठा, ये बिल्कुल तैयार है। कैसा लग रहा है आप देख के बता सकते हैं। तो आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी आप ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट के ज़रिए से, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी एक लाइक मुझे बहुत ही हिम्मत देती है ताकि मैं अच्छा से अच्छा कर सकूं। और आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।